भी बन गई है चाय, तो मैं जा रही हूँ खेत में चाय देने के लिए। पहले मैं बड़े पापा के घर पर जाऊंगी, वहां पर बड़े पापा बड़ी मम्मी भाभी को देने के लिए, उससे पहले दादी माँ को दूंगी चाय, और फिर मैं जाऊंगी खेत में पापा को चाय देने के लिए। दादी माँ और मैं दादी माँ को चाय देने के लिए आई हूँ। दादी माँ है वो देख नहीं सकते हैं, हेलो, उसकी 3 सालों से आंखों की रोशनी है वो बिल्कुल चली गई है, और यहाँ पर देवम मस्ती कर रहा है। अपनी साइकिल लेकर आया है, तू आवे हमारा साथ है। हाल तो आपने चाय दी अभी परसों बापू जी ने, तो अभी मैं और देवम जा रहे हैं चाय देने के लिए। उससे पहले मैं जा रही हूँ बड़े पापा के घर पर, वहाँ पर बैठे हैं बड़े पापा, उन्हें भी चाय दे के फिर मैं जाऊँगी खेत में। वहाँ पर तीर्थ भी कुछ कह रहा है, और यहाँ पर तीर्थ है वो साबूदाना खा रहा है, और भाभी फोन में बात कर रहे हैं और ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। भाभी टेलर है, तीर सुबह नाश्ता नहीं करता है, फिर उसके ऑनलाइन क्लास खत्म होते हैं उसके बाद उसे जोरों से भूख लग जाती है, तो अभी ये साबूदाना खा रहा है। और यहाँ पर बड़ी मम्मी है वो सभी के लिए चाय वाटी में डाल रही है। देवम तू हालिस ना। चलो तो अब हम जा रहे हैं खेत में, यहाँ पर सभी ने चाय ले लिए। अभी देवम हाल देवम मना कर रहा है, देवम बहुत आलसी है, तो मैं और तीर्थ जा रहे हैं, तुम यहीं पर रहना ठीक है। तीर्थ चलो तुम मेरे साथ, तीर्थ चल रहा है। हाल अभी देखो तीर्थ आया तो वो भी पीछे से आ रहा है, तीर्थ के बिना कहीं पर भी नहीं जाता है। तीर्थ को पूरा दिन परेशान करता है देवम बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर आ गए हैं पारू और टकली। टिकली टिकली, फिर से बारिश नहीं आई है, तो मौसम काफी अच्छा है, क्योंकि कल दोपहर से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, आज सुबह तक बारिश थी, अभी सुबह से बारिश रुक गई है, तो काफी अच्छा मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मूंगफली देखिए किस तरह से हो गई है, काफी बड़ी, हाइट भी काफी ज्यादा हो गई है, और मानो जैसे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो मूंगफली के पत्ते हैं वो, क्योंकि बारिश की जरूरत थी, काफी लेट आई है इस साल बारिश, तो वो सूखने लग गई थी लेकिन बारिश आ गई तो अभी काफी अच्छी हो गई है। यहाँ पर कपास भी देखिए, कपास को बारिश का पानी शायद अच्छा नहीं लगा है इसलिए वो सूखने लगा है और काफी फूट भी गया है, तो कल हमने मुहूर्त तो कर दिया है कपास का, अब थोड़ा सा धूप निकलेगा उसके बाद हम उसे निकालेंगे, क्योंकि अभी कुछ जो चिपक गया होंगे वो सब अच्छे से निकल आएंगे, नहीं तो फिर वो भेज का जो पानी ज़्यादा होता है उसके कारण वो अच्छे नहीं रहते हैं। देवम बहुत आगे चला गया, वो मम्मी के पास पहुंच गया है। और यहाँ पर अनार भी देखिए, अभी अनार को पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, हम पानी नहीं दे रहे थे अनार को, क्योंकि अभी फ्लावर आने का टाइम था इसलिए उसे गर्मी चाहिए ज़्यादा, लेकिन बारिश बहुत ज़ोरों से हो गई है तो फ्लावर की जगह सूट आ गई है अनार में। और यहीं पर है मम्मी और पापा, और हम लोग भी पहुंच गए हैं बाहर के खेत के पास जिसमें डम्पस्ट्री के, यहाँ पर पूरी जगह में पानी भर चुका है रास्ते पर। और यहाँ पर है मम्मी और पापा भी वहीं पर है, और देवम तो हमारे हमसे भी पहले आ गया, पहले मना कर रहा था मैं नहीं चलूँगा, लेकिन फिर वो जल्दी ही आ गया, साइकिल से आया, और मैं और तीर्थ पैदल आए हैं। अब काफ़ी अच्छा हो गया है सरगवायो जो डम्पस्ट्री के वो, तो यहाँ पर मम्मी और पापा ग्रास निकाल रहे हैं खेतों में,
तो हम आए हैं चाय देने के लिए और अभी बारिश स्टार्ट हो गई है फिर से। देखिए यहाँ पर पानी में दिखाई दे रहा है, अनार के अंदर यहाँ पर पानी भर चुका है। मम्मी चाय नहीं पीते हैं, पापा पीते हैं, तो पापा के लिए लेकर आए हैं। बारिश की वजह से काफी सारा ग्रास हो गया है डंपस्ट्रिक में। ये देखिए नीचे फुल ग्रास हो गया है, हरा हरा हो गया है, वो सब ग्रास निकालना पड़ेगा अब। और अभी बारिश हो रही है तो जो फ्लावर चाहिए वो भी अभी नहीं लग रही हैं, क्योंकि नीचे की ओर देखिए काफी सारे फ्लावर गिर चुके हैं, जितने भी लगे थे वो सारे। बारिश में फ्लावर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर इवनिंग रूटीन में हम लोग आए हैं गायों की काउ मिल्किंग करने के लिए। तो अभी मम्मी पापा ने भूसा रेडी कर दिया है। यहाँ पर ये नीमू, राधा और गंगा, गंगा सबसे अच्छी फ्रेंड है। ये देखना किसे गुस्सा होगी मेरे पर लेकिन उसके जो सिर पर हाथ घुमाते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी वो भूसे की राह देख रही है। यहाँ पर पापा भूसा लेकर आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मिल्किंग करनी है इसलिए भूसा लेकर रखा है। भूसा खाएगी और उसके बाद मम्मी मिल्किंग कर लेगी, क्योंकि शंभू था लेकिन शंभू अब नहीं रहा है हमारे बीच में, इसलिए वो बिना बछड़े के भी दूध देती है गंगा। और यहाँ पर है हमारे सभी छोटे सुल्तान और नानू, गीत, चाना और ये हमारी मीरा। मीरा छुप कर देख रही है मुझे, उसे अच्छा नहीं लगता है इस तरह से उसके सिर पे ऊपर हाथ घुमाते हैं तो, लेकिन ना नानू को काफ़ी पसंद है इस तरह से हम उसके पास आते हैं, उसे प्यार करते हैं तो। और गीत की आदत है वो सभी को चाटती रहती है बहुत ज़्यादा, उसके पास हम अगर थोड़ी देर खड़े रहते हैं तो वो ऐसे ही हमें चाटने लग जाती है। ये देखे अभी भी कैसे मुझे चाटने लग गई है, वो सभी बछड़ों को भी इसी तरह से चाटती रहती है पूरा दिन। तो यहाँ पर मम्मी ने स्टार्ट कर दी है नींबू की काउ मिल्किंग। नींबू की काउ मिल्किंग अक्सर मम्मी अकेले ही करते हैं, मैं कभी नहीं बैठती हूँ सामने, क्योंकि नींबू को वो पसंद नहीं है हम साथ में मिल्किंग करें, इसलिए कभी मैं बैठती हूँ नींबू के पास मिल्किंग करने के लिए, लेकिन मुझसे पूरा दूध नहीं निकलता इसलिए ज़्यादातर मम्मी को ही नींबू की काउ मिल्किंग करनी पड़ती है। मैं बाकी सारी गायें हैं जो आमने सामने दूध देती है उन्हीं की मिल्किंग करवाती हूँ, बाकी जो अकेले मम्मी को निकालना होता है दूध वो सारी गायों का दूध मम्मी ही निकालते हैं।